भाजपा से मिली करारी हार के सदमे से अभी तक कांग्रेस उबर नहीं पाई है। कदाचित यही कारण है कि आज सुबह कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा की है कि एक महीने तक कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता किसी भी मीडिया के डिबेट में भाग नहीं लेगा। यहां तक कि उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया कि वह कांग्रेस को किसी भी प्रतिनिधि को अपने कार्यक्रमों में ना बुलाएं। इस ट्वीट के आने से राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का बाजार गर्म हो उठा है। याद रहे कि मतगणना के बाद से अब तक का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भवन में चल रहे हैं। इससे पहले के कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई उंगली उठती, राहुल गांधी ने संभावित सवालों का टारगेट ही बदल दिया। यहां तक कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने की भी जिद पर अड़े रहे। यह अलग बात है कि उनको मनाने का उपक्रम सफल रहा, लेकिन तड़के सवेरे के समय इस ट्वीट के आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी का मनोबल इस कदर टूट गया है कि वह सच का सामना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने राफेल व चौकीदार चोर है जैसे नारे उछालकर कांग्रेस पार्टी की जमकर भद पिटवाई थी। जाहिर तौर पर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि यह विषय मीडिया में और अधिक लंबा चले। कदाचित राहुल गांधी की यह सोच है कि प्रवक्ता एक महीने तक मीडिया से दूर रहेंगे तो धीरे धीरे मीडिया के सवाल ठंडे पड़ जाएंगे। यह भी संयोग की बात है कि रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट उस समय आया जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे हैं। उधर राजनीतिक क्षेत्र के लोग इस ट्वीट पर तंज कस रहे हैं कि क्या एक महीने तक पूरी कांग्रेस पार्टी छुट्टी पर चली जाएगी। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।